तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब भी मजे में होंगे और मजे के साथ साथ आप भी ठंड के मजे ले रहे होंगे। तो आज हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है ठंड का ही रहने वाला है। ये जो मेरे पास आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक इतना छोटा सा रूम हीटर है कि मतलब आपके रूम को इतना फास्टली ये गर्म कर देगा और गर्म के साथ साथ बिजली का बिल इतना कम आने वाला है क्योंकि ये जो हीटर है सिर्फ 400 वाट का हीटर है। आपने देखा होगा 1000 वाट के हीटर या 1500 वाट के हीटर आते हैं, मगर ये जो हीटर रहने वाला है 1000 का रहने वाला है। प्राइस क्या रहने वाला है वीडियो पर बने रहो, पूरा दिखाने वाला हूं, टेस्टिंग भी करके दिखाने वाला हूं, क्या क्या फीचर इसमें होते हैं वो भी दिखाने वाला हूं। क्योंकि ये इसके अंदर सिर्फ हीटर का काम नहीं करता, इसके अंदर स्मार्ट फीचर भी इसके अंदर कुछ दिए गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास जो ये बॉक्स दिया है, कुछ इस टाइप का ये बॉक्स दिया है और बॉक्स को चारों साइड से आप देख सकते हैं अच्छे से ये किस टाइप का आपको लग रहा है और इसके अंदर क्या क्या चीजें, इसको किस तरह हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, वो सारी डिटेलिंग आप साइड में देख ही रहे हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया 400 वाट का आखिर ये है, तो ये 400 वाट का आपको मिलने वाला है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको पावर सॉकेट ही चाहिए, अगर आपके घर में नॉर्मल सॉकेट है तो आप उस नॉर्मल सॉकेट पे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको ओपन करके देखने वाली बात है बॉक्स को, तो मैंने ओपन किया है यहां पर और ओपन के बाद मैं इसको इस तरह से इसमें से निकाल लेता हूं। भाई निकालने के साथ साथ इसके अंदर कुछ और भी है, ये देखेंगे। बॉक्स पूरा का पूरा खाली हो चुका है। खाली होने के साथ साथ भाई इसके अंदर एक कैटलॉग मिली है कुछ इस तरह से। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कैटलॉग मिली है कुछ इस तरह से। इसको किस तरह से यूज करना है या इसके अंदर क्या क्या कंडीशन दी गई है वो सारी की सारी इसके ऊपर लिखी गई है। और लिखी होने के साथ साथ कई जगह ऐसी होती है जहां पर हमारा जो प्लग होता है वो इस टाइप में लगा होता है जैसे डायरेक्ट हम मोबाइल का चार्जर इंसर्ट कर देते हैं, मगर इसके अंदर जो फीचर दिया गया है उसके अंदर यहां से अगर आप इसको प्रेस करते हैं, और कई जगह पे ऐसा सॉकेट होता है, ये वाला सॉकेट होता है, तो इसको हम वहां पर भी यूज कर सकते हैं। मतलब टू इन वन, तो इसके अंदर एक ही प्लग है वो टू इन वन काम करता है। अब इसकी हीटिंग वाली बात है, तो एक बार इसकी हीटिंग चेक करके देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है, इसकी हीटिंग कैसी रहने वाली है, वो सारी की सारी इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। तो गाइस चलिए मैं इसके फीचर बता देता हूं आपको। फीचर बताने के साथ साथ एक्सटेंशन कोड भी मेरे पास है, तो इसको ऑन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई है और इसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट टाइमर क्या होता है अपने हिसाब से इसके अंदर टाइम लगा सकते हैं, स्पीड कंट्रोल होती है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाले हो। सबसे पहले तो भाई इसको चेकआउट करो कुछ इस तरह से। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये साइड के अंदर जो आप देख रहे हैं, यहां से आपको एक ऑन ऑफ स्विच मिलने वाला है। ऑन ऑफ स्विच के बाद मैं आपको बता दूं, ये जो नीचे की साइड देख रहे हैं ना, यहां पर आपको एक फैन नजर आ रहा होगा, यहां से लेता है ये इन, और इन इधर से लेने के बाद इधर गर्म एयर करके इधर से आउट कर देता है। ये तो हो गया भाई हमारा ये फीचर। इसके बाद इसके ऊपर देखो, ये यहां पर कुछ चीजें इसके ऊपर लगाई गई हैं, ये रहा एक छोटी सी डिस्प्ले, उसके ऊपर चार बटन लगाए गए। छोटी सी डिस्प्ले की अगर बात करें, यहां जो आप देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं ना, ये लगा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है स्पीड। स्पीड से क्या होगा, इसके अंदर दो स्पीड आपको मिलने वाली है, जैसे ही आप इसको प्लग करेंगे ये हाई स्पीड पे चल जाएगा, एक बार अगर आप इसको प्रेस कर देंगे तो लो स्पीड पे आ जाएगा। स्पीड के बाद अगर इधर की बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा टाइमर। तो टाइमर क्या काम आने वाला है, टाइमर जैसे एक घंटा दो घंटा अपनी जरूरत के हिसाब से 12 घंटे तक का आप इसके अंदर टाइम लगा सकते हैं, वो अपने ऑफ हो जाएगा। उसके बाद यहां पर फिर मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर प्लस माइनस एंड प्लस का बटन यहां पर दिख रहा है। प्लस और माइनस का जो बटन आने वाला है वो काम आने वाला है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए काम आने वाला है। अब भाई ये जो इसके अंदर फीचर थे वो मैंने बता दिया, अब क्या ये एक ही टेम्परेचर पर चलता है या कंट्रोल भी होता है वो मेरे को अभी आइडिया नहीं है। तो भाई इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो एक डिस्प्ले दी गई है वो मैं आपको चेक कर रहा था वो कैसी दी गई है। तो चलिए गाइस, जिसको हम अपने नॉर्मल सॉकेट के अंदर लगाते हैं, पावर का सॉकेट मेरे पास अभी है तो मगर वहां पर है, मगर मैं आपको नॉर्मल के अंदर दिखा रहा हूं। तो भाई ये मैंने इसको सॉकेट में लगा दिया, मुझे मालूम है एक्सटेंशन कोड मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है, मगर वो चल रहा है, इतना ही काफी है। अब इसके अगर टेम्परेचर वाली बात करें तो भाई यहाँ पे एक मिनट, 25 यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें आपको 25 दिख रहा होगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर इसमें से इन और इधर आउट बता रहा हूँ तो नो डाउट भाई, अगर हीटिंग वाली बात करें, हीटिंग जबरदस्त रह रही है। और जैसे सुबह सुबह हमारे बच्चे स्कूल के लिए उठते हैं, रजाई में से बाहर नहीं निकलते, तो भाई मेरे से एक गलती हो गई थी, मैं आपको बता दूं, सॉरी। मैंने अभी, आपने देखा, मैंने इसको ऐसे रख दिया था, कभी नहीं रखना, खराब हो जाएगा, आग भी लग सकती है, हो सकता है क्या पता सेफ्टी के लिए इसके अंदर कोई थर्मोस्टेट दिया हो, कट ऑफ हो जाए तो बात एक अलग है, अभी मेरे को उसका आइडिया नहीं है।
मगर ऐसे रखेंगे जब इसे इन नहीं मिलेगी तो आउट ये करेगा नहीं, अंदर जो एलिमेंट होगा वो प्लास्टिक होती है उसको मेल्ट कर देगा। तो ये तो था भाई देखो सेफ्टी के लिए थोड़ा सा इसको अपने हाथ में उठाकर रखें। सुबह सुबह जो हम हमारे जो बच्चे उठते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, वो थोड़ा नाटकबाजी करते हैं, ठंड हो रही है वो रही है, तो इसको एक नॉर्मली किसी पावर सॉकेट वगैरह में लगा के उनके पास भी रख सकते हैं, जिससे कि वो अपना नहाते हैं या मुंह धोते हैं या जो भी करते हैं, मुंह हाथ धोने के बाद वो स्कूल की ड्रेस वगैरह पहन के इसके आगे बैठ सकते हैं। ये इतनी नहीं कि ज़्यादा हीटिंग दे रहा हो, आपने देखा होगा कोई भी रूम हीटर होता है उसके आगे अगर आगे हम हाथ रखते हैं तो वो हमारा हाथ को जलाने की कोशिश करता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, काफ़ी सेफ्टी है भाई। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। ऑनलाइन प्राइस की बात कर रहे हैं तो साइड में स्क्रीनशॉट दिख रहा है आपको, इस पे आप पता चल सकता है आपको किस प्राइस में आपको मिलने वाला है। ऑफलाइन की बात करें तो ये मैंने ऑफलाइन मार्केट में 500 का ये मैंने परचेस करा है। नो डाउट भाई मेरी तो ये सर्दियाँ बहुत बढ़िया निकलने वाली है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप लिंक दिया है, आप उस लिंक पर जाने के बाद हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटी चाहिए क्वांटिटी मिल जाएगी, अगर आपको सिंगल वन पीस चाहिए तो वन पीस भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जैसे लाने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।